नमस्ते स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट माइक्रोबायल कंट्रोल टू पेस्ट कंट्रोल। देन फर्स्ट माइक्रोबायल कंट्रोल रिफर्स टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट बिलो द डैमेजिंग लेवल। देन स्टेन हाउस, फर्स्ट इज स्टेन हाउस 1949 कॉइन्ड द टर्म माइक्रोबायल कंट्रोल व्हेन माइक्रोबायल ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर प्रोडक्ट द एम्प्लॉयड बाई मैन फॉर द कंट्रोल ऑफ पेस्ट ऑन प्लांट्स एनिमल्स और मैंस। माइक्रोबायल कंट्रोल में क्या होता है, बैक्टीरिया फंजाई वायरस का यूज करके इंसेक्ट में डिजीज डेवलप करते हैं। देन फर्स्ट इज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मोर देन 100 पैथोजेनिक बैक्टीरिया वार रिकॉर्डेड ऑन विच बेसिलस थुरिंजियंसिस देन शॉर्ट इज बीटी। इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड आइसोलेटेड फ्रॉम फ्लोर मोथ बाई बेलियर 1915। बीटी नोन एज ए बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड इज नोन बींग यूजिंग द बाई फार्मर्स मोस्टली ऑन लेपिडोपटेरस लार्वी। इट कैन इफेक्ट मोर देन 150 स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट्स। द एंट्री ऑफ द बैक्टीरिया इज बाई इंगेशन ऑफ द बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट द मिड गट एपिथेलियल सेल्स एंड इंटर द हीमोलिम्फ टू स्पोरुलेट एंड काज सेप्टिमेसिया। देन प्रॉपर्टीज ऑफ बीटी, हाईली पैथोजेनिक टू लेपिडोपटेरस लार्वा, नॉन टॉक्सिक टू मैन, नॉन फाइटोटॉक्सिक, सेफर टू बेनिफिशियल इंसेक्ट, कंपेबिलिटेबल विथ नंबर ऑफ इंसेक्टिसाइड, सो फार नो रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड इन इंसेक्ट सिनर्जिस्टिंग इन कॉम्बिनेशन विथ सर्टेन इंसेक्टिसाइड लाइक कार्बरिल। अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्मुलेशन इज ट्रेड नाम थुरिंसिसाइड डेल्फिन बैक्टेन बायोबिट हाल्ट एंड डिपेल। देन फॉर्मुलेशन इज द स्टैंडर्डाइजेशन डेट 1 ग्राम ऑफ कंसेंट्रेशन स्पोर डस्ट कंटेंट्स 100 मिलियन स्पोर्स। देन बेसिलस पॉपुली अवेलेबल एज डूम काजेज मिल्क डिजीज ऑन जापानीज बीटल एंड पोपिलिया जापोरिका। देन सेकेंड इज वायरस, वायरस इज एन पी वी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एन पी न्यूक्लियर पोली वायरस। देन बोरेलिया वायरस अबाउट 300 आइसोलेटेड ऑफ न्यूक्लियर पोलीहाइड्राइड वायरस हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ लेपिडोपटेरा। अमोंग दिस वायरस बेकुलो वायरस आर सक्सेसफुल इन IPM। द एन पी वी इज ऑब्जर्व टू अफेक्ट 200 स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स लाइक कोर्सिरिया सेफालोरिका पेरिसेलिया रिचिनी एक्सेट्रा स्पोडोपोटेरा लिटुरा। बाई इंगेशन द वायरस इन्फेक्टेड डेड लार्वी हैंगिंग अपसाइड डाउन फ्रॉम प्लांट पार्ट्स ट्री टॉप डिजीजेज, एग्जाम्पल ट्री टॉप डिजीजे। देन द पोलीहाइड्रेट आर सीन इन न्यूक्लियर, द पोलीहाइड्रेट बॉडीज इन लार्ज इन साइज डिस्ट्रॉइंग द होस्ट न्यूक्लियर टू गेट रिलीज इन टू द इंसेक्ट बॉडी कैविटी। देन थर्ड इज फंजाई, द फंजाई डिजीज अकर्स इन इंसेक्ट इज कॉमनली कॉल्ड एज माइकोसिस। मोस्ट ऑफ द एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई इन्फेक्ट द होस्ट थ्रू द क्यूटिकल, द प्रोसेस ऑफ पैथोजेनेसिस बीइंग विथ अडहेशन ऑफ फंगल इन्फेक्टिव यूनिट्स टू कॉन्डिटम टू द इंसेक्ट एपिक्यूटिकल। देन जर्मिनेशन ऑफ इफेक्टिव यूनिट्स ऑन क्यूटिकल, पेनिट्रेशन ऑफ द क्यूटिकल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ हाइमोलिम्फ इज इंसेक्ट ब्लड। देन डेड ऑफ द होस्ट माइसिलियर ग्रोथ विथ इन्वर्जन ऑफ ऑल होस्ट ऑर्गन्स। देन प्रोडक्शन ऑफ इनइफेक्टिव कोनिडिया ऑन द एक्सटर्निटी ऑफ द इंसेक्ट। देन मोस्ट ऑफ द एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई इन्फेक्ट
they host by penetration of the cuticle by producing cuticle digestion enzymes. Then the fungal isolated selected for mass production of commercialization should possess rapid growth, high pathogenically the largest target pest and exploited populace. A simple medium with cheap and easily available components should be developed. The production procedure should be easy and also keep the production cost be low. Then some example, more than 5,000 species of entomopathogenic fungi are recorded, important species Entomophthora, Methyrizium, Buaria, Numeria and Verticillium. Then protozoa, their mass production is difficult. They impact the insect order like Lepidoptera, Coleoptera, Orthoptera, Hemiptera and Diptera. Example, Penocytes triboli on Tribolium castanium on grasshopper and Nosema bombici on silkworm. Hay is the harmful since silkworm is a productive insect. Then entomo pathogenic nematode, there is short is EPN. Nematodes about 1,000 species are known to attack insects, especially Raptidis are found to have a symbiotic relationship with the bacteria forming a disease complex. The best known disease complex was discovered by Dutke and Thog in 1955 in the caterpillar on the coding moth Siding Pomonella on apple. Then some example of EPN, Stenemela nematode genus Stenemela, nematode species Epenis, bacterial genus Genorhabditis, bacteria bovinili. Then here is some example. The advantage of biological control and biological control in the control of the insects is achieved in the wide area. The pest is hunted out, thus complete over control over a large area in possible biological areas as long as the pest is prevalent and hence control is effective over longer periods. Then through the initial cost is more, it will be cheaper in a long run science. After a few years on field release, then the goal is established, there may not be any necessity to propagate in further. Then compatible with other methods. Then disadvantage, it is a slow process and takes a long time. Secondly, natural enemies cannot be restricted to particular pest, crop or areas. Then presence alternate host delay the biological control. If hyperparasite are the effective parasite is advisory effect. Then expensive to develop and supply bioagents. Then this is a microbial control. The microbial control mostly important bacteria, fungi, virus and nematode. Thank you.